Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. 3-year Maharashtra CET Law exam होने जा रही है 2nd and 3rd of May को. आपके पास 10 दिन बचे हैं. तो in this video I'm going to tell you the secrets, must do things जो आपको भी करना चाहिए आने वाले 10 दिन में. इसके पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें सुबह से मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ऐप के अंदर भी पूछ रहे हैं हॉल टिकट कब आएगा. मैं आपको बता देता हूँ, हॉल टिकट आपका 2 से 3 दिन के अंदर, ओके 24 से 25 तारीख के अंदर हॉल टिकट आपका आ जाएगा. हमने लास्ट टाइम 5 ईयर का जब एग्ज़ाम था, हमने वहाँ पे एक डेट बताई थी कि एग्ज़ाम का हॉल टिकट कब आएगा, एंड उसी टाइम पे ओके आपका हॉल टिकट आ गया. तो जहाँ तक हमें लग रहा है, इस बार भी आपका जो हॉल टिकट है ये एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24-25 ऑफ अप्रैल हॉल टिकट आ जाएगा. ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीक्रेट्स कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है. सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेनी होती है जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो. तो सिलेबस क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है ऑफिशियल सिलेबस क्या है. तो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस जो सी ई टी सेल ने रिलीज़ किया है, हर साल वो रिलीज़ करते हैं. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितने कितने सेक्शंस पूछे जा रहे हैं. तो यहाँ पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश. ठीक है, एंड हर एक एग्ज़ाम का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना है. मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स हैं, मार्केट में काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस भी हैं. अब देर आर फ्यू कोचिंग क्लासेस, वो क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट के साथ बिठाते हैं. जैसे कि आप लॉ सीईटी के लिए गए, पर आपको पता चलेगा कि बगल में जो बच्चा बैठा है वो एमबीए का है, कोई बैंकिंग का है, कोई यूपीएससी का है, कोई एमपीएससी का है, कोई एमसीए का है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बच्चे बैठे. तो आपको जो एग्जैक्ट सिलेबस चाहिए, जो एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल चाहिए, जो एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता. तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेना होता है. ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू डिफिकल्टी लेवल, हमने आपको एग्जैक्टली 2022 में, 2021 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हमारे ऐप के अंदर आपको एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे. हाँ, हमारे जो बुक्स है, जो मॉक्स है, उसमें हमने डिफिकल्टी लेवल इजी से लेके डिफिकल्ट तक रखा हुआ है, क्योंकि देयर इज अ थिन पॉसिबिलिटी कि आपका जो पेपर है वो कभी डिफिकल्ट भी आ सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसके हमने हमारे मॉक टेस्ट में अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेरियंट्स के हमने टेस्ट क्वेश्चंस रखे हुए हैं. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओके मैं आपको बता देता हूँ 2016 का. ओके, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. सबसे पहले ऑफिशियल सैम्पल पेपर 3 ईयर एमएससीईटी लॉ का 2016 में सीईटी सेल ने रिलीज़ किया था, ये पेपर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इसी हमारा जो ऐप है, ऐप जो इसी वीडियो है, इसके नीचे मैं आपका लिंक रख दे रहा हूँ ऐप का. ऐप डाउनलोड करिए, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको 2016 का एक्चुअल सैम्पल पेपर मिल जाएगा जो सीईटी सेल ने रिलीज़ किया था. 21 पेज का ये पेपर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है. ठीक है, दूसरा क्या करना है, 5 ईयर का जो पेपर था इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना. अब आप बोलोगे 5 ईयर का क्यों करूँ, मेरा तो 3 ईयर एमएससीईटी लॉ है. ये गलती मत करना, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है 5 ईयर्स का और 3 ईयर्स का, वो सिलेबस इज सेम, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा माइनर चेंजेस देखने को मिल सकता है, एंड जो सेक्शंस हैं उसमें थोड़े से चेंजेस है. जैसे कि 5 ईयर एमएससीईटी लॉ का जो एग्ज़ाम है इसमें मैथ्स आता है, 3 ईयर्स में नहीं आता. तो आपको क्या करना है, मैथ्स का पार्ट स्किप कर देना है, बाकी जो क्वेश्चन है आपको कर लेना, इसके अंदर आंसर्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया. थर्ड, तो अभी आप देखिएगा, पहला आपने क्या लिखा, 3 ईयर का 2016 का सैम्पल पेपर 150 क्वेश्चन, 5 ईयर्स का 150 क्वेश्चन, टोटल 300 हो गए. 2022 का 3 और 5 ईयर का मिला के हमारी जो टीम है बी एडुकेयर कोचिंग क्लास की, काफ़ी सारे लोग पेपर अटेम्प्ट करने जाते जस्ट टू सी कि किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल है, ताकि हम आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही तरीके से पढ़ा पाए एंड कंटेंट में हम चेंजेस कर पाए. तो 2022 का ओके जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ओके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारी मेमोरी थी, जो जितने भी हमारे जो टीचर्स गए, स्टाफ गए, जिन लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस याद करके लेके आ पाए, एंड एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 170 के करीब टोटल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 16 पेज की ये फाइल है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है. तो 150 300, यहाँ पे भी 150 से ज़्यादा, तो 450 के करीब क्वेश्चंस हो गए. फिर आपको क्या करना है,
2021 के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 2023 का जो भी फाइव ईयर में सीटी लॉ का पेपर हुआ, ओके, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से थे। एंड आप किसी भी स्टूडेंट से जिसने इस साल का फाइव ईयर में सीटी लॉ का एग्ज़ाम लिखा, या फिर आप 2023 का, ओके, 2023 का जो पेपर जिसने भी दिया, उससे आप पूछ लो कि क्या क्वेश्चंस सिमिलर थे, आपको आंसर मिलेगा यस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपको चीज़ें करनी है। थ्री इयर्स की जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे करीब मैं 600 के करीब आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यस, डेफिनेटली हमारे क्रिएटेड कंटेंट नहीं है, हमने जितना मेमोरी दी हमने उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाए, हमने हमारे ऐप के अंदर रखा, उसका हम कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहे, बिकॉज दिस कंटेंट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप कर लेते हो 600 के 600 क्वेश्चंस, मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चंस कम से कम आपको यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं एक मॉक टेस्ट जिसका हमने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट फॉर थ्री ईयर MSCET लॉ 2020। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसको एक अलग नाम दिया, ब्रह्मास्त्र होगा तो अंदर मॉक टेस्ट ही, थ्री ईयर MSCET लॉ 2023 स्टूडेंट्स के लिए। आर इंटेंशन इज टू गिव यू फील ऑफ CET पेपर बिफोर CET, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है 2 और 3 मई को, हम ये मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे 30 अप्रैल को। ठीक है, उसके पहले हम क्या करने का प्लानिंग किए हैं, हमने 4 दिन का मास्टर क्लास लाया है, इट्स ऑनलाइन लाइव मास्टर क्लास। इसमें क्या होगा, स्ट्रैटेजी होगी किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ हिडन सीक्रेट्स होंगे, डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो सक्सेस आपके साथ होगा। ठीक है, इसमें क्या कवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ाने नहीं वाले, हम कोई बच्चा पूछेगा कि क्या हम इसमें पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, नहीं भैया हम इसमें सिलेबस नहीं खत्म कर सकते। 4 दिन का है मास्टर क्लास, इंग्लिश 1 दिन, GK करंट अफेयर्स 1 दिन, लीगल एप्टीट्यूड 1 दिन, लॉजिकल रीजनिंग 1 दिन। ठीक है, तो 4 दिन रोज 3-3 घंटे, टाइमिंग क्या है, सुबह 7 से 10। ठीक है, तो जो वर्किंग स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इसको इजीली अटेंड कर सकते हो, इन केस किसी भी रीजन से अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है घबराने की बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग भी उसकी मिल जाएगी। एंड ये जो लाइव क्लास है इसमें आप टीचर से चैट के थ्रू, लाइव क्लास के टाइम पे ही आप चैट के थ्रू पूछ सकते हो, वहाँ पे एक माइक का भी ऑप्शन होगा, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप बेफिक्र होके टीचर से सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हो, एग्जाम के रिलेटेड कुछ पूछना है आप इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें 3-3 घंटे करके हमने 12 घंटे का ये कोर्स है, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, खासकर जो इस साल के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं, हम उसको यहाँ पे आपको दिखाएंगे एंड सॉल्व करेंगे टीचर्स। ठीक है, ड्यूरेशन याद रखिएगा हर एक क्लास का 3 घंटे ही होने वाला है, इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 4 दिन 7 से 10, एंड ये डेट हमारा कोई प्लान नहीं है इसको चेंज करने का, चेंज तभी हो सकता है अगर कोई एग्जाम किसी रीजन से एग्जाम पोस्टपोन हो गई, तो वैसे एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बड़े कम है। ठीक है, इसके अंदर ब्रह्मास्त्र का जो मॉक है जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, ब्रह्मास्त्र मॉक ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जैसे आप यहाँ पे टेस्ट सबमिट करोगे यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो एंड एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये कोर्स है, आपको हमारे बारे में जानना है, वी आर कोचिंग क्लासेस, वी हैव 3 ऑफलाइन ब्रांचेस इन मुंबई, घाटकोपर में हमारा ब्रांच है, डोंबिवली में है, दादर में है, वी ऑफर ऑनलाइन कोचिंग एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग, एंड MSCET लॉ में वी आर वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग क्लासेस। एंड आपको रिजल्ट जानने हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज दिख जाएंगे, रिव्यूज़ आप देख सकते हो गूगल पे, 3000 से ज़्यादा अभी तक हमारे हैप्पी स्टूडेंट्स हैं, 100+ सेलेक्शन है हमारा GLC और IELTS में, ओके, यूट्यूब पे आप देख सकते हो 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो अभी से लेके आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये हम कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स को, बैच चालू होगी 26 तारीख से, या फिर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो बी एडुकेयर प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो तो माई इंस्टीट्यूट, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोड पूछेगा आपको, ये पर्टिकुलर कोड आपको डाल देना है ताकि आप ऐप लॉगिन कर पाओ, वहाँ पे आप कोर्स खरीद सकते हो। अगर आपको सिर्फ अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है, आपको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, देन ये जो मॉक टेस्ट है इसको आप ले सकते हो ओनली फॉर 49 रुपीज़।
ठीक है, इसको छोड़ के भी एक मॉक टेस्ट हमने फ्री रखा हुआ है, ये 49 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, आपको 150 क्वेश्चंस 3 ईयर्स का करना है, 150 क्वेश्चंस 5 ईयर्स का करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस 169 या 179 के करीब है टोटल 16 पेजेस में, यह आपको कर लेना है, 2021 के एक्चुअल पेपर आपको कर लेने हैं, एंड दैट्स इट। मॉक टेस्ट लिखना मत भूलिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जब आप बाहर निकलोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे ये चीज़ बड़ी काम की थी, क्योंकि सिमिलर या फिर मेनली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको पेपर में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप जीत के ही आना है, क्योंकि वी एज अ कोचिंग क्लास हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आए। ओके, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी है, जो हमें यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, उनका भी अच्छा स्कोर है, तो ये सारी शुभकामनाएं हमारे हम आपको देना चाहते हैं। तो प्रिपेयर वेल, 10 दिन है, 10 दिन बहुत होता है, अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया ना। ऐप के अंदर हमारे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, अब वो कर लो, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट का मतलब होता है 150 × 10, 1500 क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हो 10 दिन में, एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 500-600 क्वेश्चंस है, 2000 के करीब आप क्वेश्चंस एक बार करके देखिए, आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। तो अब जीत के ही आना है, थ्री ईयर MSCET लॉ 2023 में टॉप रैंक लाना है, ये हमारा विश होना चाहिए। सो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।